हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो स्वागत। और इस वीडियो बताऊंगा कि जो जीना की दूरी और गेट की दूरी कितनी रखते हैं और जीना की जो शुरुआत करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा पूरी सारी चीज़। और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसीलिए मैं बताऊँगा आज वीडियो के अंदर, जैसे आप जो देख रहे हैं हम जो जीना की जो ढलाई करते हैं उसमें, इसमें जो दिखाने वाला हूँ आपको, जैसे हम जीना की जो ढलाई करते हैं इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो हल्की सी नीचे उतर के इधर कैमरा लगा, तो आप भी देख रहे हैं कभी भी जीना ढल रहे हैं, आप कभी भी जीना बना रहे हैं, तो आपका जीने के बगल से कहीं दरवाज़ा है तो उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितना दरवाजे से अंदर जीना लेना है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, कभी भी आप जीना का शुरुआत कर रहे हैं हम, तो आपका दरवाज़ा जीने के बगल से आ रहा है, तो आपकी गैपिंग के बारे में बताऊँगा मैं, जैसे आपको गैपिंग कितनी लेनी है और आपकी ढलाई के बारे में कितनी इसकी ढलाई लेनी है। तो आप देख रहे हैं जो मेन सीढ़ी आप बनाएं, स्लैब जब ढालें तो मेन सीढ़ी आप जी मेन सीढ़ी होती है, तो ये आप कंक्रीट में उसको ढाल के चलें, मतलब कंक्रीट में उसको ढालें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जो मेन सीढ़ी होती है वो ईंट जो होती है हमारी फूट जाती है, निकल जाती हैं, तो वो जो मेन सीढ़ी होती है वो कमज़ोर रह जाती है स्लैब में अगर ढालते हैं। तो आपको कंक्रीट में मेन सीढ़ी आपको बनानी होगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको कंक्रीट में मेन सीढ़ी बना के आप जब जीना की शुरुआत यहाँ से आप करें इसके आगे, ठीक है। एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो गेट है, ये जो हमारी दूरी आप देख रहे हैं, इसकी जो दूरी देख रहे हैं आप, तो आप ये दूरी बता रहा हूँ मैं, तो समथिंग है हमारी जो गेट से कम 2 इंची दूरी है इसकी। जैसे हम स्लैब बना रहे हैं तो आप गेट से कम 2 इंची इसकी दूरी रखें, कि कभी भी आप कभी भी मोल्डिंग का जीना चढ़वा रहे हैं, आप ग्रेनाइट का जीना चढ़वा रहे हैं, तो आपका जो दरवाज़ा है उससे टकराएगा नहीं। और इसमें क्या होगा, आपकी जो नुकसान नहीं होगा, आपकी जो ग्रेनाइट की जो मोल्डिंग होगी वो भी नहीं टूटेगी, वो भी आपकी टोटल बची जाएगी। तो आप जो देख रहे हैं इससे करीब आप 2 इंची 2.5 इंची उससे दूरी रखें, इस चीज़ विशेष ध्यान रखें बिल्कुल भी, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं बनते मकान, ये एक बार ही बनता है, एक बार ही पैसा लगता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि ये विशेष ध्यान रखना है आपको। और जो मेन सीढ़ी जो होती है उसको कंक्रीट में ढाल के उसके बाद आप ईंट का काम कर सकते हैं। तो आप जब मेन सीढ़ी आप कंक्रीट के बना लें और दूसरी जो सीढ़ी बनाएंगे आप ईंट की सीढ़ी शुरू करोगे तो उसको आपको ईंट की सीढ़ी बनाने ले जानी है आगे के लिए। तो इसके बारे में बताऊँगा अगली वीडियो में, बताऊँगा मैं कि आपको जीना किस तरीके से आपको चढ़ाना है और कितने में कितने राइजर, कितनी हार्ड लेनी, कितनी इसकी चौड़ाई लेनी सीढ़ी, उसे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको इतना कंक्रीट चीज़ का रखना, ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है, तो आपकी जो गेट है उसकी दूरी रखनी है। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा था आपको, क्योंकि ये जो है आपकी जो आगे चलो ना, तो इसमें बता रहा हूँ मैं, ये आप देख रहे हैं, आप जो कंक्रीट देख रहे हैं, आप इसकी जो स्लैब की कंक्रीट देख रहे हैं, आपकी 4 इंची से आप मोटी डालें, 4 इंची उसमें मार्जिन होना चाहिए, मतलब 4 इंची करीब उसमें कंक्रीट की स्लैब होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी जो लोड झिलती है उसी हिसाब से लोड झिलती है। तो आपको विशेष ध्यान रखें, आपको 3 इंची नहीं डालें, आपको 4 इंची की उसमें स्लैब डालें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप स्लैब के बारे में मैंने टोटल बताया कि किस हिसाब को रखना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में बताऊँगा कि सीढ़ी हम जो चढ़ाते हैं इसका साइज कैसे निकलता है और किस तरीके से आपको साइज रखना है, और नॉर्मल जो साइज रखना है वो इस तरीके में अगली वीडियो में आपको कल बताऊँगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना इस वीडियो में, आपकी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो ठाड देख रहे हैं सीढ़ी की, तो आप 7 इंची की अगर ठाड लेते हैं पहली सीढ़ी की, तो पहली सीढ़ी की आपको ठाड कितनी लेनी है, क्यों हमारी फर्श में दब जाती है, तो आप 7 इंची की ले रहे हैं, तो आप 9 इंची की उसकी शुरू वाली ठाड ले सकते हैं, आप 9 इंची की ठाड ले सकते हैं, उसके बाद में आप 7x7 की सीढ़ी बना सकते हैं, आप 7 इंची की सीढ़ी बना सकते हैं, 7x10 की 7x10 की आप सीढ़ी बना सकते हैं। तो ये जो पहली सीढ़ी जो होती है आप 9 इंची की आप लेके चलें, इसका विशेष ध्यान रखना आपको कि पहली जो सीढ़ी बड़ी होती है वो हमारी जो फर्श जो बनता है वो फर्श में हमारी कवरिंग में आ जाती है, तो आपको पहली सीढ़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप छोटा साइज बना सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना, वीडियो लाइक करें।